डेमोक्रेसी भी अब आम आदमी पार्टी हो गई है। इसके अस्तित्व पर रोज खतरा मंडराता रहता है। आइए आज जानते हैं ऐसा क्या हुआ। आज मेरे बैंक मैनेजर ने मुझसे केवाईसी करने के लिए जोर दिया और मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया। आखिर वो मुझसे मेरे क्रेडेंशियल्स कैसे मांग सकता है? मैं इस बैंक में कितने सालों से अकाउंट होल्डर हूँ। ऐसा ही कुछ हुआ जानी मानी हिस्टोरियन रोमिला थापर के साथ। एक रूटीन मूव के तहत जेएनयू ने 87 वर्षीय रोमिला थापर से उनकी सीवी यानी बायोडेटा मांगा। इस पर हमारे लेफ्ट लिबरल्स काफी गुस्सा है। रोमिला थापर जैसे महा अनुभवी से कैसे सवाल कर लिए? पर जब नेहरू से संबंधित एक कर्मचारी को अपडेटेड बायोडेटा देने के लिए कहा जाता है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का मर्डर कर दिया गया, मोदी फासिस्ट है और क्या कुछ नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज ऐसा ना करे। 74 वर्ष के बूढ़े आदमी को तिहाड़ जेल ना भेजे। ऐसा आज कपिल सिब्बल ने पी चिदम्बरम के बचाव में सुप्रीम कोर्ट से कहा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रातों रात कांग्रेस और उनके चमचों को एज की रिस्पेक्ट होने लग गई। 87 की उम्र में रोमिला थापर से उनकी सीवी क्यों मांगी? 74 की उम्र में पी चिदम्बरम को तिहाड़ जेल क्यों भेजा जा रहा है? 82 साल की उम्र में कांग्रेस नेता सीताराम केसरी को कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाथरूम में लॉक कर दिया था, तब कहाँ गई थी? वीर चक्र रेसिपिएंट अभिनंदन ने आज IAF चीफ BS धनोआ के साथ MiG-21 विमान उड़ाया। ये वही अभिनंदन है जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-21 विमान से पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया था। यहीं पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर इंडिया को धमकी देने में बिजी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 125 से लेकर 250 ग्राम के एटम बॉम्ब है जो इंडिया को तबाह कर सकते हैं। एटम बॉम्ब ना हुए पटाखे हो गए। वैसे नोटिस करिएगा, पहले छोटी सी अफवाह से हाई अलर्ट फैल जाता था और आज एटम बॉम्ब्स पे भी जोक्स बन रहे हैं। ये नतीजा है नेशन फर्स्ट पॉलिसी का। लेटेस्ट अपडेट्स और नरेटिव जानने के लिए रोज शाम 7 बजे देखिए KTN न्यूज़।